गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज़ रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, ओके, एंड रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू कैसा होता है. चलिए, एक छोटी सी एक्टिविटी है, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर बुक ओनली. डू यू रिमेंबर, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. रूट का क्या फंक्शन है? फंक्शन मतलब काम करना. सो यू नो वेरी वेल कि रूट जो है वो क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है. स्टेम स्ट्रेंथ देता है. फ्लावर दैट इज आपको रिप्रोडक्शन के थ्रू इसके बाद इसका फ्रूट बनता है. और फ्रूट क्या होता है, आपका फ्रूट का फंक्शन क्या होता है, इसमें सीड निकलते हैं, फिर वापस से नया प्लांट जो है वो जर्मिनेट होता है ना. अब देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस सो दैट देयर स्पीशीज, स्पीशीज मतलब उनकी जाति, ठीक है. जैसे हम जो है वो हम ह्यूमन है, तो ह्यूमन की क्या हो गई, स्पीशीज हो गई. डॉग है तो डॉग की क्या हो गई, स्पीशीज हो गई. डू नॉट डाई आउट, ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनकी स्पीशीज मरती नहीं है. द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ मतलब जो प्रोसेस होती है बर्थ, गिविंग बर्थ देने की उनके जैसे खुद को, तो वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है. जैसे देखो ह्यूमन है तो ह्यूमन्स के बेबीज भी कैसे होते हैं, ह्यूमन ही होते हैं. डॉग है तो डॉग के बेबीज कैसे होते हैं, जो उनके पपीज होते हैं वो भी डॉग ही होते हैं. तो उनकी स्पीशीज कभी नहीं मरती, ठीक है, वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं. जैसे हम हैं तो हम क्या कभी ख़त्म हुए क्या, नहीं, क्योंकि हमारे जैसे क्या होते हैं, बनते रहते हैं और रिप्रोड्यूस होते रहते हैं. इसीलिए अब देखो, एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग और गिविंग बर्थ टू देयर यंग वन. अब देखो, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे दोबारा बनते हैं, या तो वो अंडे देंगे या फिर वो बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है. तो अंडे देने वाले जैसे कि मुर्गी हो गई, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है ना. उसके बाद गिविंग बर्थ, बर्थ कौन देता है, जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग्स हो गए, गॉट हो गया, लॉयन हुआ, दीज आर दे गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, ओके. सो इसी तरीके से प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं मेनी वेज में. वो भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं. कैसे करते हैं, तो दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सीड्स के थ्रू और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के थ्रू, ठीक है. अब देखो, इसमें हम देखते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स कैसे होता है. तो सीड्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, यू नो वेरी वेल कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें सीड जो है वो प्रेजेंट होता है. सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, इलायची, ठीक है, मैंगो, लीची, एटेक्स्ट्रा हैव ओनली वन सीड, फाइन. तो मैंगो और जो लीची होता है उसमें एक ही सीड होता है, आपने देखा होगा कि मैंगो में एक ही सीड होता है, ठीक है. वेयर एज अदर फ्रूट्स लाइक पपाया, वाटरमेलन, एटेक्स्ट्रा हैव मेनी सीड्स. देखो पपाया में कई सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से वाटरमेलन है, वाटरमेलन में भी कई सारे सीड्स होते हैं. मन द सीड्स ऑफ द प्लांट आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलना, ठीक है, क्या होता है, फैलना. द डेवलप इन टू अ न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अंडर फेवरेबल कंडीशंस मीन्स जब उनको अच्छी वाली कंडीशन मिल जाती है जिसमें कि प्रॉपर सन, सनलाइट, वाटर, एयर, ये सब पूरा प्रॉपर मिलता है, तब उसे हम फेवरेबल कंडीशन कहते हैं. फेवरेबल फेवर, फेवर लेना होता है ना, जैसे फेवर, तो फेवरेबल मतलब जैसे जो आपके हक में, आपके इसमें सही होती, दिस इज नोन एज दी फेवरेबल कंडीशंस. चलिए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में पढ़ेंगे. तो सीड जो होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है. सबसे पहला होता है सीड कोट, कॉटिलीडन और सीड लीव्स, एंड थर्ड पार्ट इज एम्ब्रियो. अब सीड कोट क्या होता है, तो सीड कोट इट इज़ द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, इट प्रोटेक्ट द सीड, ठीक है. सीड के बाहर जो हार्ड आउटर कवरिंग पोर्शन होता है वो सीड कोट होता है, जो सीड को प्रोटेक्ट करता है. कॉटिलीडन क्या होता है, कॉटिलीडन आर स्पेशल सीड लीव्स, सीड की लीव्स होती हैं वो. दे स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, वो क्या करती है, एम्ब्रियो के लिए, ग्रोइंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के लिए फूड इकट्ठा करती है. सीड हैविंग टू कॉटिलीडन्स आर डाइकॉट्स, एग्जाम्पल आर ग्राम, पी एंड बीन. अब जिनके दो कॉटिलीडन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम डाइकॉट बोलते हैं, और जिसमें एक कॉटिलीडन होता है उन्हें क्या बोलते हैं, हम मोनोकॉट्स बोलते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड दिया है, इसमें ये एक ही कॉटिलीडन है तो ये मोनोकॉट है, और इसमें दो कॉटिलीडन है तो ये क्या हो गया, डाइकॉट हो गया. अब ये छोटा सा पोर्शन जो है ये क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है. ये कॉटिलीडन किसके लिए फूड स्टोर कर रहे हैं, एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर कर रहे हैं, ठीक है. तो एम्ब्रियो क्या हो गया, इट इज़ अ टाइनी पार्ट हिडन एट द बेस ऑफ सीड लीव्स,
ये कॉटिलेडन का जो बेस है इसके बीच में हिडन रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है, ठीक है। ये सीड, जब सीडलिंग्स जो होता है इस एम्ब्रियो से निकलता है, ये एम्ब्रियो जब ग्रो होता है तो सीडलिंग निकलता है। अब जैसे देखो, आई एम हैविंग सम ओवर हियर। अब ये जो चना है ये क्या है, डाइकॉट है। देखो ये दो पोर्शन में टूट गया, सो दिस इज़ नोन एज दी डाइकॉट, ठीक है, दिस इज़ नोन एज दी डाइकॉट। अब ये मेथी दाना है, ये मेथी दाना क्या है, मोनोकॉट है। ये क्या है, मोनोकॉट है, मतलब क्योंकि इसमें एक ही कॉटिलेडन है, सो दिस इज़ मोनोकॉट। और ये चना क्या है, इसमें दो है, तो दैट इज़ डाइकॉट। ये देखो एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये दोनों, और इसमें छोटा सा पोर्शन दिख रहा होगा आपको, ये देखो यहाँ पे ये छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, दिस इज़ वेरी क्लियर, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा पोर्शन ये दिख रहा है। सो दिस इज़ एम्ब्रियो, ये इसका एम्ब्रियो है, ठीक है। हाँ चलो आगे देखते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड कैसे जर्मिनेट होता है, द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग, उसे क्या कहते हैं हम, जर्मिनेशन। मतलब जब सीड जो है वो सीडलिंग्स में, मतलब एक छोटा सा टाइनी से पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तो उसे जर्मिनेशन कहते हैं। इसके लिए वाटर, सनलाइट, एयर, ये सब क्या होती है, नेसेसरी होती है। वाटर सॉफ्टन द सीड कोट। अब सीड कोट काफ़ी हार्ड होता है, जैसे मैंने पहले पढ़ाया था कि सीड कोट इज़ वेरी हार्ड आउटर कवरिंग, तो वाटर क्या करता है, उस सीड कोट को सॉफ्ट कर देता है, और उसे एंड चेंजेस द फूड स्टोर्ड इनटू इन द सीड इनटू द सॉल्युबल फॉर्म ऑफ द पैड बेबी प्लांट, और उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक बेबी प्लांट में। सनलाइट एंड एयर आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, और सनलाइट और एयर किसके लिए लगती है, फोटोसिंथेसिस के लिए लगती है। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है जो टेक्स प्लेस इनसाइड द सीड, जो सीड के अंदर होती है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड ग्रो इन साइज। जर्मिनेशन के दौरान सीड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और साइज में क्या होता है, ग्रो होता जाता है। द सीड कोट बर्स्ट, जो सीड कोट होता है ना, जो हार्ड आउटर कवरिंग एरिया होता है, बर्स्ट मतलब क्या होता है, फूटना होता है, ठीक है, बर्स्ट होता है और ओपन होता है। अ टाइनी रूट कॉल्ड रेडिकल, देखो ये छोटी सी रूट जो है वो रेडिकल जो है वो इससे निकली है, कम्स आउट एंड ग्रो डाउनवर्ड्स। ये रेडिकल जो है वो टाइनी रूट है, तो रूट तो नीचे की साइड पर ग्रो करती है, सो दिस इज़, ये भी क्या करेगी, नीचे की साइड पर ग्रो करेगी। एंड फिर इससे निकलता है प्लूमले, तो प्लूमले क्या होता है, ऊपर की साइड पर ग्रो करता है, दिस इज नोन एज ए टाइनी शूट, ओके। और ये फिर आगे कन्वर्ट होके काय में कन्वर्ट होता है, स्टेम में, लीव्स में, इस तरह से। सो दिस इज़ द बेबी प्लांट क्या होता है, जल्दी ही बड़े प्लांट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको कुछ कॉटन लेना है प्लेट के ऊपर, मतलब रुई लेनी है, उसमें कुछ पानी डालना है, ठीक है, और उसे आपको विंडो के पास रखना है जहाँ पर उसको सनलाइट मिलते रहे, और उसके ऊपर कुछ पानी डालना है, ठीक है, और उसे ऑब्जर्व करना है। क्या होता है ये आपको बताना है कि एक दो तीन चार दिन में क्या होता है, सो यू हैव टू फिल दिस एक्टिविटी बाई डूइंग दिस एंड यू हैव टू सेंड मी द पिक, ओके। टिल देन, अब कल हम जो है वो आगे डिस्पोजल ऑफ सीड्स के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। चलिए, टिल देन गुड बाय एवरीवन।